नमस्कार माँ मिर्चा में आप सबका स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि जनरली ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे को मसूर की दाल कब से देना है, बच्चे को राजमा कब से देना है, छोले कब से देना स्टार्ट करें, चने की दाल देना कब से स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि कौन सी दाल किस मंथ से बच्चे को स्टार्ट करनी चाहिए देना, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल सके, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो एक वीडियो बनाना ही बेटर था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात शुरू करते हैं। जब बच्चा 6 महीने का हुआ, जब हम बच्चे को सॉलिड पे लेकर आ गए हैं, तो कौन सी दाल से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो बहुत ही लाइट फूड दिया जाता है, जैसे फ्रूट प्यूरीज हो गई, वेज प्यूरीज हो गई, जो कि बच्चा बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर सके। मूंग की दाल ऐसी दाल है जो कि बहुत ही लाइट होती है, बहुत जल्दी बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है और हार्डली रेयरली ही कोई ऐसा केस हो कि बच्चे को डाइजेस्ट ना हो या नुकसान करे, वरना वो 99% केसेस में मूंग की दाल बच्चा पचा लेता है। अब मूंग की दाल में दो तरीके की आती है, एक आती है छिलके वाली जिसपे छिलका लगा होता है ग्रीन कलर का, एक होती है बिना छिलके वाली। तो आपको कोई भी दाल बच्चे को जब पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हो, कोई सी भी हो, चाहे मसूर की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे उड़द की हो, आपको बिना छिलके की ही दाल देना है। बाद में जब एक आध साल का हो जाए बच्चा, एक साल का हो जाए, उसके बाद आप छिलके वाली दे सकते हो। तो मूंग की दाल, जैसे बच्चा 6 महीने का हुआ, आपने फ्रूट प्यूरीज दी है, इनफैक्ट मूंग की दाल को आप बच्चे का एज अ फर्स्ट फूड भी दे सकते हो। बढ़िया दाल का सूप बना लीजिए और बच्चे को दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो 6 महीने से ही आप बच्चे को मूंग की दाल दे सकते हो। अब बच्चा खाने पर आ गया धीरे धीरे, मतलब मूंग की दाल खा रहा है, फ्रूट प्यूरीज खा रहा है, फिर उसके 1 महीने बाद मतलब 7th मंथ में आप चाहो तो मसूर की दाल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मसूर की दाल भी अगेन डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होती है, लाइट होती है, तो मसूर की दाल भी आप दे सकते हो बच्चे को। लेकिन इसमें भी आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि छिलका नहीं लगा हो। काले कलर का छिलका होता है बट अंदर से वो रेड टाइप की होती है, तो जिसको हम धुली हुई मसूर की दाल बोलते हैं वो देना है आपको। तो वो आप 7th मंथ में बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। कई लोग एक साल बाद करते हैं बट ऐसा कोई 6-7 महीने में इसको आप आराम से दे सकते हो। अब बच्चा 8 मंथ का हुआ तो 8वें महीने में आप बच्चे को अरहर की दाल दे सकते हो, तुअर की दाल जो हमारे घर पे बनती है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी कि जो हमारे घर पे दाल बनती है उसमें हम ऑब्वियसली सॉल्ट मिलाते हैं, बट 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ना ही हमें सॉल्ट देना होता है, ना ही शुगर देना होता है, ना ही हनी देना होता है। और ये चीज़ मैंने अपने बहुत बार वीडियोस में बोला है और ऐसा मैंने किया भी है, मतलब अपनी बच्ची को मैंने 1 साल तक में ना ही उसको शुगर दिया है और ना ही उसको सॉल्ट दिया है, हनी दिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बच्चे के लिए चाहो तो अलग से बॉईल कर लो दाल को, अलग से बना लो, लेकिन सॉल्ट प्लीज मत दो तो अच्छा रहेगा। कई बार क्वेश्चन आता है क्या हम घी दे सकते हैं, तो घी बिल्कुल दे सकते हो, घी इनफैक्ट देना भी चाहिए। 6 महीने के बाद से ही आप दे सकते हो घी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को फायदा ही करता है। तो आप तुअर की दाल या जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, इसको आप जैसे बच्चा 8 महीने का हुआ आप तब दे सकते हो। अब बात करते हैं उड़द की दाल की, जिसके इडली डोसा वगैरह बनते हैं। तो उड़द की दाल जो होती है वो भी आपको बिना छिलके की देना, व्हाइट कलर की होती है, छिलके वाली दाल नहीं देना है। तो उड़द की दाल को भी आप 8 महीने में दे सकते हो। अच्छा, कोई भी हम नया फूड बच्चे को जैसे देते हैं तो मतलब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1-2 दिन आप थोड़ा सा देखें कि बच्चे में, जो बोलते हैं ना 3 डेज रूल होता है, एक्चुअली 2 दिन तक ही आप थोड़ा सा देखो। जैसे बच्चे को आप आज ने उड़द की दाल दी, आज मान लीजिए आज आपने सुबह दी, कल दीजिए वापस उसी टाइम पे और चेक करिए कि बच्चे को कोई किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, या लूज मोशन तो नहीं हो रहा है, या स्किन पे कोई रैश वगैरह तो नहीं आ रहा है। मतलब इस रूल को इसलिए फॉलो करने की बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है अगर आपने उड़द की दाल दी है और हो सकता है बच्चे को एलर्जी हो जाए, तो बेटर है कि अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल उस टाइम पे उस दाल को देना बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा 2-3 हफ्ते बाद वापस उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है जो हर एक बच्चे को हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जो एक बच्चे को डाइजेस्ट हो रही हो सकता है वो दूसरे को नहीं हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप नया दाल, नया फूड कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस करें तो थोड़ा सा 2 दिन तक की देने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एलर्जी या पेट में दर्द कुछ भी नहीं हो रहा हो बच्चे को। ओके, सो आप उड़द की दाल, तुअर की दाल, ये दोनों को आप 8वें महीने में दे सकते हैं।
अब बात करते हैं चने की दाल की। तो चने की दाल थोड़ी सी हैवी होती है, एक तो पहली चीज वो जल्दी पकती नहीं है, पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो पहली चीज जब आप पकाओ तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पकाना है। जब बच्चा 11-12 महीने का हो जाए आप तब दे सकते हो चने की दाल को। इस चीज का मेक श्योर करना कि वो अच्छे से पकी हुई हो। आप या तो क्या कर सकते हो, चने की दाल को पकाने से पहले थोड़ा देर मतलब 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी में उसको गला के रख दो, सोख करके रख दो, तो जो उसकी एक्स्ट्रा पॉलिशिंग है वो भी निकल जाएगी, बच्चा बहुत अच्छे से पचा भी लेगा और जब आप कुक करोगे तो बहुत जल्दी वो पक भी जाएगी, तो वो अच्छा रहेगा। और क्योंकि चने की दाल अगर जरा भी कच्ची है तो इवन हम एडल्ट अगर उसको खाएं तो हमारा भी पेट दर्द देने लगता है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से पक चुकी हो तभी आपको बच्चे को देना है। अब बात करते हैं राजमा और छोले की। तो राजमा छोले भी आप बहुत आराम से जब बच्चा 11-12 महीने का हो गया है तब आप दे सकते हो। मतलब सब्जी वगैरह नहीं दे रहा, जैसे ग्रेवी अगर स्पाइसी या बहुत ज्यादा मसाला लग रहा है तो आप बढ़िया बॉइल करके थोड़ा सा उसमें ये भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाकर बच्चे को दे सकते हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मेरी बेटी ने बहुत खाया है इसको भी, राजमा और छोले वो बहुत पसंद करती है। तो आप छोटे से ही ये सब चीज़ों की आदत डाल देंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए आगे जाकर। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो ये वीडियो था, मुझे लगा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि कौन सी दाल किस एज में चना राजमा छोले कब देने चाहिए। तो अच्छा, काले चने की भी बहुत बात आती कब दे सकते हैं, तो काले चने भी अगेन आप 11-12 महीने में बहुत आराम से दे सकते हो बॉईल करके। बस बच्चे के लिए इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि आप बच्चे के लिए कोई भी खाना हो वो अच्छे से पका हुआ हो, अधपका खाना बच्चे के पेट में दर्द करेगा और नुकसान करेगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।